बहुत जल्दी लव जिहाद का कानून कैबिनेट के अंदर आने वाला है और कैबिनेट के बाद में वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो 28, 29, 30 को सत्र है उस सत्र के अंदर मध्य प्रदेश विधानसभा में हम लेके आने वाले हैं। हमने इसमें कई प्रावधान जोड़े हैं जो बाकी के स्टेटों से भी इतर होंगे। 10 साल की सजा का आपके ध्यान में है ही। इसमें हम वो भी जोड़ने वाले हैं जो संपत्ति कुर्के वाली बात रहती है, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं अभी के जिस तरह से तलाक हो जाने के बाद में गुजारा भत्ता देना होता है तो वैसा गुजारा भत्ता इस परित्यक्ता को मिल सकता है क्या, इस तरह के नए विचार भी इसमें हम स्वीकार और अंगीकार करने के बारे में अभी विचार की कर रहे हैं। कई विषय अभी विचाराधीन हैं, वो संस्थाएं जो इनमें शादी कराती हैं, वो संस्थाएं जो दान देती हैं, जो दान लेती हैं, उन सबका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रस्ताव इसमें विचाराधीन है। वो पादरी, वो गुरु, वो मौलवी जो ये शादी निकाह कराते हैं उनको भी सजा के प्रावधान के बारे में विचार कर रहे हैं।